तो रोक के साथ यहाँ और एक फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, अच्छे से हो चुका है ये, यहाँ से प्लांट किया है और ये पीछे घूम के आगे आ रहा है। तो अब क्या करना है, उसको और आगे ले जाना। हमारा सफ़र यहाँ से यहाँ तक तय करना था और स्लॉट भी बना हुआ है, तो मैं आज यहाँ उसको फिक्स कर दूँगा, बाद में उसको ग्रोथ के लिए शुभ देने वाला हूँ। जैसे ही हम ग्रोथ के लिए छोड़ेंगे ये धीरे धीरे फिक्स होता रहेगा, उसको ट्रिमिंग वगैरह नहीं करना है। सिंपल सा सेपलिंग है, यूनिक क्रिएशन करना है, फिर यहाँ कोई डेवलप करेंगे हम प्लांट। तो उसको सिंपली मैं क्या करता हूँ, हमारा मैजिक मिक्सचर नाम दे दिया है मैंने, तो उसको मैं उसी के साथ चलते हुए मैं उसको स्टिक करते चले जाऊंगा। हालांकि ये अब छोटा भी पड़ रहा है जो गैप है वो, फिर भी मैं उसको स्टिक तो कर ही दूंगा। और जो इस तरह से मुझे केवल ये ही करना है कि ये रोक के साथ बने रहे, जो मूवमेंट आएगी वो गजब की होगी दोस्तों। और मैजिक मिक्सचर से ज़्यादा कोई दिक्कत तो मैंने देखी नहीं है, थोड़ी गर्मी भी होती है बट ये चिपका लेता है प्लांट को, हीट प्रोड्यूस होती है इस तरह से लगाने के बाद। तो ये सिंपल रहता है, मुझे तो केवल मूवमेंट चाहिए इस तरह की, जिससे प्लांट में एक बहुत ही बढ़िया घुमावदार दिखे और ये रॉक उसके साथ अटैच रहे। प्लांट बड़ा होने के बाद कुछ अलग भी दिख सकता है, बट जो एक्सपेरिमेंट किया है वो तो हम पूरा करेंगे। रॉक के साथ तो कुछ भी अच्छा लगता ही लगता है। तो जहाँ तक लाना चाहता था मैं वहाँ तक प्लांट आ चुका है। अब हमें इस प्लांट पे रेमिफिकेशन वगैरह कर पाएंगे, पर कुछ वक्त में इसे ही उसको छोड़ूंगा, जिससे होगा क्या कि ये प्लांट अच्छे से रॉक के साथ अटैच होता चला जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो इम्यूनिटी अच्छी बनाने के लिए मैंने इस प्लांट को इस तरह से बैग में ले लिया है, क्योंकि छोटे से रोक में कब ग्रोथ होता पता नहीं। वहाँ एक वायर बाइट दिख रहा है, अंदर जो अटैच किया है उसको मैं काट रहा हूँ, जिससे ये अंदर ना चला जाए। तो काट तो लिया है, उसको निकाल लिया। प्लांट को मैंने यहाँ थोड़ा सा वायरिंग कर लिया है, अब इसके हिसाब से ये पूरा घुमाव करके यहाँ हमें इसकी कैनोपी बनाते। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।